ठीक है, लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या देखा था, जर्नल एंट्री देखा था, ठीक है। आज जो देखने वाले हैं दैट इज सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक का मतलब क्या होता है, तो सब्सिडियरी बुक मतलब सब डिविजन ऑफ जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री में हम लोग सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते थे, मतलब जर्नल एंट्री में हम लोग सब कुछ इसमें कर देते थे। कैश ट्रांजेक्शन होगा तो भी लिखने का, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो भी लिखने का। अभी इसका प्रॉब्लम क्या होता था, समझो मुझे सिर्फ परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब जर्नल एंट्री चेक करना पड़ेगा कि इसमें परचेज क्या है और सबका टोटल करना पड़ेगा। अगर मुझे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन चाहिए तो मुझे हर जर्नल एंट्री को चेक करना पड़ेगा और सब कैश ट्रांजेक्शन टिक मार्क करना पड़ेगा, फिर उसका टोटल देना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री में ये दिक्कत होती थी कि हम लोग को परचेज का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, हम लोग को सेल्स का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, हम लोग को कैश से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन हुए उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था। तो इसीलिए सब्सिडियरी बुक इन्वेंट किया गया। अभी सब्सिडियरी बुक में क्या किया, तो सब्सिडियरी बुक में अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग हेड में रिकॉर्ड करें, जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन अलग से लिखो, दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन अलग से लिखो, और वो ट्रांजेक्शन जो कैश भी नहीं है और जो क्रेडिट भी नहीं है और वो गुड्स से भी रिलेटेड नहीं है उसको अलग से लिखो। अभी पहले देखते हैं कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है। तो कैश ट्रांजेक्शन को वापस से कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। एक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या लिखा है, बिजनेस का स्मॉल एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब चाय पीने का खर्चा, प्रिंटिंग करने का खर्चा, अरे टीचर लोग का मार्कर खत्म हो गया तो उसके अंदर इंक रिफिल करने का उसका खर्चा, मतलब सर पेटी कैश बुक क्या होता है। तो पेटी कैश बुक हमारा बिजनेस का छोटा छोटा खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश बुक। दूसरा क्या होता है, कैश बुक। कैश बुक मतलब सर क्या, जिसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे और जिसमें हम लोग ये रिकॉर्ड करेंगे कितना पैसा बिजनेस में आया और कितना पैसा बिजनेस से गया। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन पार्ट में। पहला कौन सा है, सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक। दूसरा क्या है, टू कॉलम कैश बुक। और तीसरा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो एग्जाम में बुक में तो है बट एग्जाम में अपने को आता नहीं है, तो ये वैसे भी हम लोग नहीं सीखने वाले। हम लोग क्या सीखेंगे, सिंपल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक। अभी नेक्स्ट देखते हैं सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ कंडीशन है कि ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होने चाहिए, क्रेडिट, प्लस साथ में वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, गुड्स। मतलब सर यहाँ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए जो क्रेडिट है और जो किससे रिलेटेड है, गुड्स। अभी इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, चार बुक में डिवाइड किया है। पहला परचेज बुक, दूसरा सेल्स बुक, तीसरा परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। मतलब जो भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है और जो भी परचेज से रिलेटेड है वो किस कौन सी बुक में लिखेंगे, परचेज बुक में। और जो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में। और जो परचेज किया हुआ किसी कस्टमर ने अपने को रिटर्न किया तो उसको किस में लिखेंगे, परचेज रिटर्न। अरे सॉरी, हम लोग ने रिटर्न किया तो किस कौन सी बुक में लिखेंगे, परचेज रिटर्न। अच्छा, सेल किया हुआ गुड्स अगर कस्टमर ने रिटर्न किया तो किस में लिखने का, सेल्स रिटर्न बुक में। नेक्स्ट, अदर ट्रांजेक्शन अदर देन गुड्स। मतलब सर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बट अदर देन गुड्स, मतलब अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट है और ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड है वो तो ये चार रूप में से एक में लिखेंगे। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है ट्रांजेक्शन क्रेडिट है बट वो गुड्स से रिलेटेड नहीं है, तो बिकॉज वो क्रेडिट है तो हम लोग यहां तो नहीं लिख सकते, बिकॉज वो क्रेडिट है हम लोग यहां लिख सकते हैं बट बिकॉज वो गुड्स से रिलेटेड नहीं है मतलब उसको यहां भी नहीं लिख सकते, तो उसके लिए अलग से हम लोग एक जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे जिसको बोलेंगे जर्नल प्रॉपर। एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, मतलब सर ये परचेज है बट बिकॉज गुड्स नहीं है मतलब ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, तो परचेज ऑफ असेट्स अगर वो कैश होता तो किस में लिखता मैं, कैश बुक में, बट बिकॉज वो कैश नहीं है वो किस पे, क्रेडिट में, इसलिए किस में लिखेंगे इसको, जर्नल प्रॉपर में। तो इसी तरीके से सब्सिडियरी बुक को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक कैश ट्रांजेक्शन, दूसरे क्रेडिट ट्रांजेक्शन और थर्ड वाला कौन सा है, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन अदर देन गुड्स। जो कैश ट्रांजेक्शन होंगे उसमें पेटी कैश बुक, कैश बुक, और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। और वो ट्रांजेक्शन जो अदर देन गुड्स है उसको हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। Is that clear? Hope you guys understood. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो क्या करने का, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।